अफवाह फैला रहे हैं वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए देखिए, मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है, और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनेसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है, जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूँ कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी, उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली, और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 6 साल हो गए, और आखिरी केस हम लोगों ने 2011 में देखा था, 13 जनवरी को देखा था हावड़ा के अंदर। इसलिए देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है, इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए।